तो रुकर जाएगी खबर सागर की ओर, जहां खाद वितरण के दौरान ऐसे अमाजिक तत्वों के द्वारा नायब तहसीलदार की गाड़ी पर किया गया हमला। यूरिया खाद को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए नायब तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव कर दिया और तोड़फोड़ कर दी। सुबह से ही यूरिया खाद को लेकर लंबी लंबी कतार में लगे किसान उस वक्त नाराज हो गए जब थाने में खाद वितरण की सूचना पर किसान भारी संख्या में थाने पहुंचे, लेकिन अधिक संख्या में होने की वजह से वे ही यूरिया खाद थाने से नहीं बांटा जा सका और खाद को मंडी से बात की गई, जिसको लेकर नायब तहसीलदार सुजाता विश्वकर्मा ने यूरिया खाद को मंडी से भीतर की बात कही और मशीनों के साथ यूरिया खाद को मंडी भेज दिया, जिसमें नाराज किसानों ने नायब तहसीलदार की गाड़ी को रोक लिया और उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ के साथ पथराव शुरू कर दिया। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसके संबंध में कुछ बताएं। आज खाद वितरण के इसलिए में जो है थाने से होना था, थाने से टोकन वितरण होने थे और खाद का वितरण मंडी से होना था, परंतु कुछ किसानों ने, ज़्यादा संख्या में किसान आए हुए थे, लगभग 4 से 5 हज़ार किसान वहाँ थे मैदान में, और उन लोगों ने वो अव्यवस्था बनाई वहाँ पे, जो लाइन हर बार लाइन लग के खाद बढ़ती है तो लाइन भी नहीं बनाई, सामने से लोग पूरा घेराव किए हुए थे, जो लोग खाद के लिए जो है मशीन चलाते हैं उनको पूरा घेरे हुए थे। उसके बाद मैं गई वहाँ पे तो मैंने देखा कि कैसे बट सकता है, तो मंडी से ही बटना संभव था क्योंकि थाने से तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो मैंने वो मशीन वालों को मंडी ले जाने की कोशिश करी और लोगों से भी कहा कि आप मंडी में व्यवस्थित लाइन लगा करके खाद लें। तो कुछ असामाजिक तथ्यों ने मेरी गाड़ी पे हमला किया और रोकने का प्रयास किया और गेट वगैरह तोड़ दिए, गाड़ी के लॉक भी टूट गए सारे, गाड़ी के पीछे भी डैमेज हुआ है कुछ, तो इस तरीके से असामाजिक तथ्यों भी रहे, कुछ और किसान भी जो है आक्रोशित होकर ये किया है, तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी शासन प्रशासन का यही है कि आपको खाद वितरण कराएं और आसानी से कराएं, और हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, और खाद यदि जैसे 1800 बोरी था आज, तो भाई आपकी डिमांड को देखते हुए ऊपर सप्लाई और होती यदि हम लोग मैसेज करें, लेकिन इस तरीके से कतई गलत है, ये सब घटनाएँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसानों को खाद लेना है, शांति से खाद लेना चाहिए, हम लोग सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं, बीच में कलेक्टर साहब ने अभी जहां तक कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए उनको चेयर्स की तक व्यवस्थाएं करवाई थी कि आप लोग